अगर आपको मोटिवेशनल वीडियोस या कहानियाँ देखना पसंद हैं, तो हमारे नए चैनल सौरभ ऑफिशियल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वैसे तो भारत में बहुत से ऐसे राज्य हैं जो बहुत खूबसूरत हैं, मगर अगर प्राकृतिक खूबसूरती की बात की जाए तो इसमें नागालैंड का अपना ही एक स्थान है। हम भारत में तो रहते हैं, मगर नागालैंड के बारे में कम ही जानते हैं, जो इसे एक रहस्यमय प्रदेश बना देता है। तो चलिए आज हम इस खूबसूरत प्रदेश के बारे में कुछ ऐसी बातें जानने की कोशिश करते हैं जो शायद आप नहीं जानते। मैं हूं सौरभ, आप देख रहे हैं रिवीलिंग आइस। चलिए शुरू करते हैं। नागालैंड भारत का उत्तरी पूर्वी राज्य है। इसकी राजधानी कोहिमा है। नागालैंड की सीमा पश्चिम में असम से, पूर्व में बर्मा से और दक्षिण में मणिपुर से मिलती है। यहाँ का सबसे बड़ा शहर दीमापुर है। नागालैंड में सबसे ऊंची चोटी माउंट सरामती है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3840 मीटर है। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को भारत के 16वें राज्य के रूप में हुई थी। इस राज्य में जिलों की कुल संख्या 11 है। इस राज्य का इतिहास बर्मा और असम से मिलता जुलता है, लेकिन कुछ मतों के अनुसार इस राज्य का नाम अंग्रेजों ने नागा और हिंदी में नंगा के अनुसार रखा था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने बहुत से नागा लोगों को युद्ध में लड़ने के लिए फ्रांस और यूरोप भेजा। जो लोग युद्ध में लड़ने के लिए बाहर गए और जब वे लोग भारत वापस आए, तो उन्होंने नागा नेशनलिस्ट मूवमेंट की स्थापना की। भारत की आज़ादी के दौरान नागालैंड असम के अंतर्गत था, लेकिन नागा लोग अपना विकास चाहते थे। इसी कारण वे लोग किसी केंद्रीय सरकार से जुड़ना चाहते थे। सन 1955 में भारत सरकार ने भारतीय सेना की एक टुकड़ी नागालैंड भेजी और सन 1957 में भारत सरकार और नागा लोगों के बीच विलय की बातचीत शुरू हुई, जिसके अंतर्गत नागालैंड 1 दिसंबर 1963 में भारत का 16वां राज्य बन गया। नागालैंड में 16 जनजाति पाई जाती हैं। आगामी, आओ, चखेसंग, चांग, दिमासी, कचारी, ये सब प्रमुख हैं। और भी जनजातियाँ नागालैंड में रहती हैं। नागालैंड में अगर धर्म की बात की जाए तो नागालैंड में ईसाई 88% है, हिंदू 9%, मुस्लिम 2.5% और अन्य 0.5%। नागालैंड भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ ईसाइयों की संख्या सर्वाधिक है। नागालैंड के कोहिमा के पास खोनवा गांव में आज भी महाभारत युग के खंडहर मिलते हैं। राज्य की प्रमुख फसलें चावल, गेहूं, मक्का, दालें आदि हैं। राज्य की प्रमुख नदियां दंगसिरी, दोयांग, देखो बराक है। इसके इलाके पहाड़ी, घने जंगलों और नदी से भरे हुए हैं। यहाँ पौधों और जानवरों की कई प्रजातियाँ भी हैं। नागालैंड की जलवायु मानसूनी और सामान्य तौर पर बहुत नमी वाली होती है। यहाँ बारिश का सालाना औसत 1800 से 2500 मिलीमीटर होता है, यानी 70 से 100 इंच रहता है। आज जो क्षेत्र नागालैंड है, उसके शुरुआती इतिहास के बारे में बहुत ही कम जानकारी है। साथ ही दीमापुर में कई बड़े रेतीले पत्थरों वाले खंभों की उत्पत्ति के बारे में आज भी ज़्यादा जानकारी नहीं है। नागालैंड में रहने वाले नागाओं को इंडो मंगोला वंश से संबंधित कहा जाता है। यह वो नस्ल है जिसकी उपस्थिति का पहला उल्लेख ईसा मसीह से 10 सदी पहले का है। ये आदिवासियों की धरती है, जो अपनी प्रकृति खूबसूरती, प्रदूषण मुक्त वातावरण, सुंदर लैंडस्केप और अतुलनीय सांस्कृतिक विरासत से टूरिस्ट को अपनी ओर लुभाती है। नागालैंड के पर्यटन स्थल कोहिमा। कोहिमा यहाँ की राजधानी है। यहाँ का वातावरण प्राकृतिक है। यहाँ घूमने लायक जगहों में कोहिमा संग्रहालय, ओहिमा गांव, दोछू कोई घाटी, लंग धाम गांव, माता मी कांग, राज्य की सबसे ठंडी जगह आदि है। कोहिमा से 15 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण में जाफुक पीक है। यहाँ की पर्वत श्रृंखलाओं में रोडोद्रोनोक नामक वृक्ष मिलते हैं। इनकी ऊंचाई विश्व में सबसे अधिक होती है, इसलिए इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इसके अलावा कोहिमा के अन्य पर्यटन स्थल जोकोए घाटी, शिलोय झील, स्टेट म्यूजियम आदि है। दीमापुर। दीमापुर नागालैंड का प्रवेश द्वार और आर्थिक केंद्र भी है। प्राकृतिक प्रेमियों के लिए यह स्थान स्वर्ग के समान है, जहाँ के दृश्य को देखकर मन मोहित हो जाता है।
इतिहास प्रेमियों के लिए यहाँ आप कचारी खंडहरों में 10वीं शताब्दी की झलक देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ दीमापुर वन्य जीव पार्क, ग्रीन पार्क, रंगाफर रिजर्व फॉरेस्ट है, दिजेफ क्राफ्ट विलेज, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट एम्पोरियम भी है, और सबसे चर्चित बापिस्ट चर्च आदि मुख्य आकर्षण केंद्र हैं। मोकोक चुआंग, मोकोक चुआंग को नागालैंड की संस्कृति की राजधानी भी कह सकते हैं, जो नागालैंड का एक महत्वपूर्ण जिला भी है। हरी भरी पहाड़ियों से आच्छादित झरनों की मधुर आवाजें आपको यहाँ मंत्रमुग्ध कर देती हैं। यह पारंपरिक भूमि त्योहारों के दिनों में खिल जाती है। हालांकि यहाँ की अधिकतर जनजातियों ने ईसाई धर्म अपना लिया है, फिर भी यहाँ उनके जनजातीय गुणों को आज भी उनमें देख सकते हैं। यहाँ के मुख्य आकर्षण केंद्रों में चंगेकुंग रेंज, लंगपंग कोण गुफा, चंग टोंग, मोका कुआंग पार्क आदि प्रमुख हैं। वोखा, लोखा जनजाति के निवास स्थान वोखा में आप जनजातीय निवास को महसूस कर सकते हैं। यह जगह फलों से भरी हुई है, जहाँ पाइनएप्पल, संतरा जैसे कई फल लगे होते हैं। इस जगह की खास बात यह है कि यहाँ पर खेती बिना कीटनाशकों के उपयोग के जैविक तरीके से की जाती है। प्रकृति प्रेमी यहाँ घने जंगलों के बीच से गुजरती हुई सड़कों का आनंद ले सकते हैं। यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में माउंट ती, तिहारंग घाटी, दोयांग नदी, तोत्सियो, वोजू झील आदि प्रमुख हैं। मोन, समुद्र तल से 857 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मोन नागालैंड की एक लुभावनी जगह है, जो आपको एक रहस्यमय एहसास देगी। यहाँ से आप असम के मैदानों का सुंदर नज़ारा देख सकते हैं। इसके अलावा यह लोंगवा गांव, चुई गांव से देखने लायक स्थान है। इन सब के अलावा नागालैंड एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर आप स्विट्जरलैंड या कहीं और का प्लान कर रहे हो, तो पहले भारत के इन स्थानों को घूम लें। यहाँ पर भी आपको लगभग वैसा ही एहसास मिलेगा। हमारा देश भी दुनिया में बाकी देशों की तरह बहुत ही खूबसूरत है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नागालैंड की खूबसूरती के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस तरह के दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।